अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए यानी 2020 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी गद्य के चैप्टर थर्ड का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए हिंदी गद्य के चैप्टर थर्ड का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है क्या लिखूँ और उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी जी। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको इस चैप्टर के दो दो गद्यांश करवा दिए थे, यानी टोटल मैंने आपको 4 गद्यांश करवा दिए हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हमारे टोटल 6 गद्यांश दिए हुए हैं, यानी हमारे अब टोटल 2 गद्यांश बचे हुए हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा इस चैप्टर का 5वां गद्यांश क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका इस चैप्टर का 5वां गद्यांश है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधार हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्ध देव महावीर स्वामी नागार्जुन शंकराचार्य कबीर नानक राजा राम मोहन राय स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गाँव गाँव में होता है। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका रेखांकित अंश स्टार्ट होता है। अभी क्वेश्चन में आगे आपसे इसकी व्याख्या पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह सत्य है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सत्य है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत है और ना ही सुधारों का। तो यहाँ पे आपका रेखांकित अंश समाप्त होता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर न सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। तो ये आपका 5वां गद्यांश है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया है और दो सेट में, सीबी और सीसी में, ठीक है। ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये गद्यांश और दो सेट में पूछा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इस गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या दिया? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा? आपसे यहाँ पे पूछा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए अब हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ में आपको लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करके आपको संदर्भ बता देता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। तो यह आपका संदर्भ हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, तो चलिए देखते हैं रेखांकित अंश कहाँ पे लिखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यह सत्य है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत है और ना ही सुधारों का, ठीक है। तो ये आपका रेखांकित अंश हो गया। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके रेखांकित अंश की व्याख्या दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखक कहता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और उनमें नई नई बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, फिर उनके नए नए सुधार खोजे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखक कहता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और उनमें नई नई बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, फिर उनके नए नए सुधार खोजे जाते हैं। इस प्रकार दोषों और सुधारों की यह परंपरा अबाध गति से चलती रहती है। न दोषों का अंत होता है और न सुधारों का, क्योंकि आज जो सुधार होते हैं कल परिस्थितियों के परिवर्तित हो जाने के कारण वही दोष बन जाते हैं। इसलिए दोषों का अंत नहीं होता, इसलिए सुधारों का भी अंत
नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखक कहता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और उनमें नई नई बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, फिर उनके नए नए सुधार खोजे जाते हैं। इस प्रकार दोषों और सुधारों की यह परंपरा अबाध गति से चलती रहती है। ठीक है, ना दोषों का अंत होता है और ना ही सुधारों का। ठीक है, इसके बाद देखा क्योंकि आज जो सुधार होते हैं कल परिस्थितियों के परिवर्तित होने के कारण वही क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। इसलिए दोषों का अंत नहीं होता और इसीलिए सुधारों का भी अंत नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोषों के सुधारों के लिए जीवन निरंतर प्रयत्नशील रहता है। यहाँ पे लिखा है कि दोषों के सुधार के लिए जीवन निरंतर प्रयत्नशील रहता है, इसी कारण जीवन निरंतर प्रगतिशील बना रहता है। सुधारों के नव सुधार के लिए जीवन निरंतर गतिशील बना रहता है, गतिशीलता ही प्रगतिशीलता है। यह आपका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। तो एक बार फिर से रिपीट करके मैं आपको बता देता हूँ कि दोषों के सुधार के लिए जीवन निरंतर प्रयत्नशील रहता है, निरंतर यानी लगातार प्रयत्नशील रहता है, इसी कारण जीवन निरंतर प्रगतिशील बना रहता है। सुधारों के नव सुधार के लिए जीवन निरंतर गतिशील बना रहता है, गतिशीलता ही प्रगतिशीलता है। तो ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा इस गद्यांश का। और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का जो पांचवा गद्यांश दिया था ये भी हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। अगर आपको इसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट गद्यांश देखते हैं जो कि आपका छठा गद्यांश दिया हुआ इस चैप्टर का, और ये आपका इस चैप्टर का आखिरी यानी लास्ट गद्यांश है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में दो बार पूछा गया है। 2014 में दो सेट में AC और AE में पूछा गया है, और 2016 में पूछा गया है, सेट नेम CD दिया हुआ है। यानी बोर्ड एग्जाम 2014 में और 2016 में दो बार ये आपसे पूछा जा चुका है। तो ये गद्यांश आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2016 के बाद ये पूछा नहीं गया है तो हो सकता है आपसे इस बार पूछ ले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपका रेखांकित अंश यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से आपका रेखांकित अंश स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, परंतु कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। तो यहाँ पे आपका रेखांकित अंश समाप्त होता है। अभी आगे क्वेश्चन में आपसे इसकी व्याख्या पूछी जाएगी। तो उसके बाद लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में दो बार पूछा जा चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इस गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप कोई भी गद्यांश आपसे पूछा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहला प्रश्न आपका यही पूछा जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो चलिए संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने अभी तक आपको बताया। यहाँ पे लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, आपका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया जैसा कि आप देख सकते हैं कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, परंतु कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। ठीक है, तो ये आपका रेखांकित अंश हो गया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि तरुणों का स्थान भविष्य में नई पीढ़ी के बच्चे ग्रहण करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि तरुणों का स्थान भविष्य में नई पीढ़ी के बच्चे ग्रहण करेंगे और तरुण भी बड़े होकर अतीत की स्मृतियों में खोए रहेंगे। युवाओं के भविष्य के स्वप्न जब तक साकार होंगे तब तक वे भी वृद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार युवा और वृद्ध दोनों ही केवल सुनहरे स्वप्नों को देखकर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुनहरे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सुनहरे रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे? सुनहरे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका रहेगा सुनहरे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार युवा और वृद्ध दोनों ही केवल सुनहरे स्वप्नों को देखकर प्रसन्न होते हैं। यह समय चक्र है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का स्थान ग्रहण करती रहती है। तो ये आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि तरुणों का स्थान भविष्य में नई पीढ़ी के बच्चे ग्रहण करेंगे और तरुण भी बड़े होकर अतीत की स्मृतियों में खोए रहेंगे। युवाओं के भविष्य के स्वप्न जब तक साकार होंगे तब तक वे भी क्या हो जाएंगे? वृद्ध हो जाएंगे, यानी बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा इस प्रकार युवा और वृद्ध दोनों ही केवल सुनहरे स्वप्नों को देखकर प्रसन्न होते हैं। यह समय चक्र है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का स्थान ग्रहण करती रहती है। तो ये आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। अगर आपको उसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस गद्यांश का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में दो खंड दिया हुआ है, आ और बा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ वाला देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं थर्ड के आ खंड का। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि तरुण और वृद्ध दोनों के लिए भविष्य इस दृष्टि से सुखद होता है कि आज के वृद्ध जब युवा थे तो उनका भविष्य सुखद था, अब जब वे वृद्ध हो गए हैं तो उनका भविष्य भी अतीत बन चुका है और जो उन्हें वृद्धावस्था में सुखद प्रतीत होता है। इसी तरह आज के युवा जिस भविष्य को सुखद मान रहे हैं वही उनके वृद्धावस्था में अतीत बन जाएगा और वे उसे ही सुखद मानेंगे। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड का आ वाला। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि तरुण और वृद्ध दोनों के लिए भविष्य इस दृष्टि से सुखद होता है कि आज के वृद्ध जब युवा थे तो उनका भविष्य क्या था? सुखद था, अब वे वृद्ध हो गए हैं तो उनका भविष्य भी अतीत बन चुका है, जो उन्हें वृद्धावस्था में सुखद प्रतीत होता है। इसी तरह आज के युवा जिस भविष्य को सुखद मान रहे हैं वही उनके वृद्धावस्था में अतीत बन जाएगा और वे उसे ही सुखद मानेंगे। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया थर्ड के आ खंड का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब बा वाला देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं थर्ड के बा वाले का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। ठीक है, तो यह आपका तीसरे का बा खंड का उत्तर हो गया। ठीक है, तो अगर जैसा कि आप देख सकते हैं इसी के साथ हमारा जो इस चैप्टर का छठा गद्यांश दिया हुआ था ये भी हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो गया। ठीक है, अगर आपको इस गद्यांश में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 6 गद्यांश करवा दिए क्योंकि इस चैप्टर में आपके 6 गद्यांश ही दिए हुए हैं, मैंने एक भी गद्यांश छोड़ा नहीं है। और उसमें वैसे मैंने आपको 2-3 गद्यांश जो बताए थे वो आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको हर एक पार्ट में एक इंपॉर्टेंट गद्यांश बताया हुआ, मैंने आपको बता दिया था कि आप अच्छे से उसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है क्या लिखूँ ये हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। तो मैंने सबसे पहले इस चैप्टर का
इस चैप्टर में आपके पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय अपलोड किया था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पार्ट वन में मैंने आपको दो गद्यांश करवाए थे, पार्ट टू में भी दो गद्यांश कराए और आज की इस वीडियो में भी मैंने आपको दो गद्यांश करवाए और इस चैप्टर में टोटल 6 गद्यांश दिए हुए थे। तो हमारे जितने गद्यांश दिए थे वो हमारे कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर था क्या लिखूं, ये हमारा कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।